नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़। कविता कौशिक, शार्दुल पंडित और नैना सिंह के बाद जल्द यह है मोहब्बत फेम एक्टर एलिगोनी बिग बॉस 14 में एंट्री लेने वाले हैं। रूमर्स है कि अली और बिग बॉस की कंटेस्टेंट जैस्मिन भसीन रिलेशनशिप में है, हालांकि दोनों ने इन खबरों पर चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि जल्द बतौर वाइल्ड कार्ड शो में एंट्री लेने वाली एनी को इस शो के लिए मोटी खासी रकम दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने शो में सबसे महंगी कंटेस्टेंट रुबीना दिलेक को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में आई टैली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार एलिगोनी इस सीजन के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट हैं। एली नवंबर के पहले हफ्ते में शो में एंट्री लेने वाले हैं। एली को पहले दिन से ही शो का हिस्सा बनने की अप्रोच की गई थी, लेकिन उनके वर्क कमिटमेंट के चलते ऐसा नहीं हो सका। जैस्मिन और एली काफी क्लोज हैं, ऐसे में दोनों की शो में अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है। एली बिग बॉस 14 में लगातार अपनी रिएक्शन देते हुए दोस्त जैस्मिन को सपोर्ट करते रहते हैं। दोनों की दोस्ती के कारण ही मेकर्स ने शो के शुरू होने के बाद ही एली को दोबारा एंट्री देने के लिए अप्रोच किया है। खबरों के मुताबिक मेकर्स ने एली को इतना बेहतरीन और बड़ा ऑफर दिया है कि वो इससे इनकार ही नहीं कर पाए। एली ने बिग बॉस 14 शो शुरू होने से पहले भास्कर से बातचीत में बताया था कि वो बोनी कपूर द्वारा निर्मित वेब सीरीज जिद में काम कर रहे हैं। बोनी कपूर के साथ काम करना उनके लिए बड़ा अवसर है, जिसे वो किसी कीमत पे जाने नहीं देना चाहते। इस वेब सीरीज में एक्टर एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में है। अब एली ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसके बाद वो बतौर वाइल्ड कार्ड बिग बॉस 14 में एंट्री लेंगे। कविता, नैना और शार्दुल के आते ही शो दिलचस्प और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो गया है, ऐसे में एली की एंट्री से भी सीन पलट सकता है।